Hello students, welcome to my YouTube channel and today we will talk about some another types of real functions. तो ऑलरेडी हम लोग रियल फंक्शन सम रियल फंक्शन पढ़ चुके हैं. ऑलरेडी दो रियल फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं. क्या क्या? एक है आइडेंटिटी फंक्शन और एक है कॉन्स्टेंट फंक्शन. तो ऑलरेडी ये दो फंक्शन पढ़ चुके हैं. आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन. तो ये सारा कुछ चीज रियल फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग रियल फंक्शन को पहले इधर रख लिए हैं. ताकि रियल फंक्शन का मतलब क्या, जो फंक्शन एक ऐसा होगा, फंक्शन होगा, रियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जो डोमेन से कोडोमेन में डिफाइंड होगा, और डोमेन जो होगा वो रियल नंबर का सबसेट या फिर रियल नंबर होगा, कोडोमेन जो होगा वो भी एक रियल नंबर का सबसेट और रियल नंबर होगा, और रियल फंक्शन के लिए एक रूल दिया रहेगा. जब भी हम रियल फंक्शन का बात करें तब ये चारों चीज तुम्हारे दिमाग में छट से आ जाना चाहिए. ठीक, अब बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन का. तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन के लिए एक फिक्स्ड ग्राफ रहता था कि इसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका ग्राफ ऐसे. लेकिन पॉलिनोमियल के लिए कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं रहता है. क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल बहुत सारा टाइप का होता है. सपोज हम लिखें एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है. एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी एक पॉलिनोमियल है. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी एक पॉलिनोमियल है. तो इस तरह का बहुत सारा पॉलिनोमियल तुम बना सकते हो और सबके लिए ग्राफ अलग अलग होगा. ठीक, इसीलिए पॉलिनोमियल का कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं रहता है. तो बात आती है तब इसको कैसे पढ़ें. देखो, पॉलिनोमियल के लिए जो मोस्टली जो दो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ठीक, पढ़ना पड़ेगा सब. लेकिन बस हमको कंसेप्शन यही दोनों ग्राफ से लेना है पॉलिनोमियल के लिए. तो सबसे पहले पॉलिनोमियल एक रियल नंबर है कैसे समझेंगे. एक फंक्शन सपोज एक्स एफ रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है. ठीक, अब सच दैट करके जो रूल लेंगे वो एक रूल है, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पहला रूल. तो इसका हम लोग यहाँ पे पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद एक्स क्यूब का ग्राफ देखेंगे. ठीक, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं क्या क्या आएगा. तो जब हम इसमें इस फंक्शन में जब एक्स का वैल्यू वन लेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? वन. एक्स का वैल्यू जब टू लेंगे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? फोर. एक्स का वैल्यू थ्री लेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? नाइन. ऐसे करके एक्स का वैल्यू जब माइनस वन लेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? वन. एक्स का वैल्यू जब माइनस टू लेंगे तब भी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? तब भी पॉजिटिव फोर. जब माइनस थ्री लेंगे तब भी पॉजिटिव नाइन. तो इसमें प्लॉट करके देखते हैं क्या निकलता है. ठीक, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, बहुत पास पास हो गया ना, थोड़ा और बड़ा करके लेते हैं, टू थ्री. ठीक, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री. ठीक, अब इसको प्लॉट करो यहाँ पे वन कमा वन, तो वन वन दैट मीन्स यहाँ पे ये आएगा वन कमा वन, लिखना नहीं है. ठीक, नहीं तो ज्यादा घिच बिच हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा. टू कॉमा फोर, टू तो फोर कहां पे आएगा? यहां पे थ्री है तो ऑब्वियसली फोर इसके ऊपर ही आएगा. ठीक, अब थ्री कॉमा नाइन, थ्री और नाइन कहां पे आएगा? ऑब्वियसली इधर आएगा. ये सपोज नहीं ले रहे हैं, दोनों ही ले रहे हैं और कह रहे हैं माइनस वन ले रहे हैं, तो माइनस वन पे कहां पे आएगा? माइनस वन, माइनस वन और वन, माइनस वन और वन, पॉजिटिव वन यहां पे. ठीक, माइनस टू फोर, माइनस टू फोर कहां पे? थ्री यहां तक है तो फोर सपोज यहां पे आ गया. ठीक, ये माइनस टू, ये थ्री है, सपोज यहां पे फोर है. ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ होगा ऐसे. ठीक, इसका ग्राफ होगा ऐसे. ये किस किस का ग्राफ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ. ठीक,
अब देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है। ठीक, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कैसे होता है देखेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाल लो, वन के लिए वन, जब टू लेंगे एक्स इक्वल्स टू टू देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा एट, जब थ्री लेंगे, अच्छा थ्री छोड़ो, अब माइनस वन लेंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस वन लेंगे तो ये भी माइनस वन, एक्स का वैल्यू जब टू लेंगे सॉरी माइनस टू लेंगे ये माइनस एट। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, एक्स का वैल्यू अच्छा थ्री लेंगे तो ट्वेंटी सेवन, माइनस थ्री लेंगे तो माइनस ट्वेंटी सेवन, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, तो सबसे पहले ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक, अब वन, अच्छा वन टू थ्री, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ठीक, अब वन कमा वन, वन यहाँ पे वन यहाँ पे। ठीक, टू कमा एट, टू और एट कहाँ होगा, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर, सपोज यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे एट। ठीक, अब हम माइनस वन ले रहे हैं, माइनस वन, माइनस वन कमा माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस वन नीचे, तो यहां पे सपोज। उसके बाद माइनस टू माइनस एट, माइनस टू तो माइनस एट कहां पे आएगा, माइनस एट एकदम यहां पे। ठीक, ये टू के बराबर है, और माइनस एट सपोज यहां पे माइनस और नीचे आएगा, लेकिन बस समझने के लिए यहां पे ले रहे हैं। ठीक, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक, जितना वैल्यू लेंगे थ्री ट्वेंटी सेवन, ये और इधर चलते जाएगा, ये और इधर चलते जाएगा, ये है एक्स क्यूब का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक, अब दोनों ग्राफ का डोमेन रेंज के बारे में बात करते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, इसका नीचे करते हैं। ठीक, इसका डोमेन कितना होगा, इसका डोमेन कितना होगा, एक्स का वैल्यू क्या क्या होता है, हो सकता है डोमेन का मतलब क्या, ऐसा एक्स का वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन है, तो एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा, या फिर तुम ये निकाल लो एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन नहीं होगा, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं, किसका भी स्क्वायर तुम निकाल सकते हो, किसी का भी, तो सारा रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, देखो रेंज में क्या आ रहा है, रेंज में क्या आ रहा है, रेंज में देखो स्क्वायर है, इसका मतलब रेंज देखो हमेशा पॉजिटिव आएगा, रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, रेंज में कभी नेगेटिव, स्क्वायर है इसका मतलब रेंज में कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, भले वो नेगेटिव होगा, अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तभी भी स्क्वायर है इसीलिए पॉजिटिव, तो स्क्वायर को स्क्वायर किसी भी किसी का भी स्क्वायर क्वांटिटी जो होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, तो स्क्वायर है इसका मतलब कुछ भी आए लेकिन रियल नंबर में होगा, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो यहां पे क्या होगा आर प्लस, दैट मींस पॉजिटिव रियल नंबर ओनली। यहां पे अगर सिर्फ आर ले लिए तब ये गलत हो गया, क्यों, सिर्फ आर में रियल नंबर्स ऑल रियल नंबर्स है, दैट मींस नेगेटिव रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर सब है, लेकिन यहां पे बस हमको पॉजिटिव, रेंज में क्या आ रहा है, सब रेंज में क्या आ रहा है, वन फोर एक्स स्क्वायर है, दिस मीन्स सिर्फ पॉजिटिव टर्म आएगा, तो इसीलिए आर प्लस। ठीक, अब इसका इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका तो यहां पे सोचो एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हो, तो सारा रियल नंबर आ गया। और रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज में देख लो, रेंज में क्या क्या आ रहा है, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस सब आएगा इसका रेंज में, क्यों, क्योंकि ये देखो ना एक्स क्यूब है, तो माइनस क्वांटिटी का माइनस आएगा प्लस क्वांटिटी का प्लस आएगा, तो सारा रेंज में इसका सारा रियल नंबर आएगा। क्लियर, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल नो अबाउट द रैशनल फंक्शन। ओके,
तो रैशनल फंक्शन का मतलब रैशनल नंबर कैसा होता है, रैशनल नंबर का फॉर्म कैसा होता है, a by b, wherever b not equals to zero, तो हमको वैसे एक फॉर्म लेना पड़ेगा जहां पे फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन होगा, क्यों, क्योंकि रियल फंक्शन है इसीलिए, सच दैट इफ इफ ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x by t of x, where t of x cannot be zero, ऐसा ही तो function होना चाहिए real number के लिए। एक function लिए f of x equals to g of x by t of x, wherever t of x not equal to zero, जो denominator है वो zero कभी नहीं आना चाहिए। तो इस type का एक proper function, ये तो form हो गया ठीक रैशनल फंक्शन का, एक प्रॉपर फंक्शन ले लेते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स, एक प्रॉपर फंक्शन ठीक। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा ठीक, इसका भी देखो, इसका भी कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं है, इसका भी फिक्स्ड ग्राफ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है, ये जो है, ये हम रैशनल नंबर का फॉर्म ये भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर 1 बाय x, ये भी एक रैशनल नंबर हो सकता है, उसके बाद x बाय x स्क्वायर प्लस 1 ये भी रैशनल नंबर हो सकता है, तो बहुत सारा टाइप का रैशनल नंबर बनेगा, तो बहुत सारा टाइप का अलग अलग ग्राफ बनेगा ठीक। तो इसमें रूल के हिसाब से चलना है, और इसमें जो मोस्टली जो देखा जाता है कि f ऑफ x का जो मोस्टली जाना जाता है 1 मतलब रैशनल नंबर के लिए जो 1 बाय x है इसका ग्राफ कैसा है, उसी कंसेप्शन से सारा ग्राफ बनेगा ठीक। तो देखेंगे इसका ग्राफ कैसा है, तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ठीक, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 अब देखो इफ ऑफ x का ग्राफ जो होगा, तुम यहां पे अगर चाहो तो सपोज 1 1 ठीक, उसके बाद 2 लोगे x का वैल्यू तो कितना आएगा 1/2, दैट मींस 0.5 पॉइंट में आ रहा है, आएगा पॉइंट में। तो एक्चुअली इसका ग्राफ होता कैसे है, इसका ग्राफ होता है ऐसे, ठीक ऐसे होगा इसका ग्राफ। कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये बड़ी बात है, कैसे याद रखेंगे इसका ग्राफ। देखो ये जो है ऐसा फंक्शन जब रहेगा 1 बाई एक्स, तो x का हम जितना भी बड़ा वैल्यू लेंगे f ऑफ x का वैल्यू उतना छोटा आएगा, है कि नहीं, बात समझो। यहां पे सपोज x का वैल्यू हम 0.1 ले रहे हैं, x का वैल्यू हम 0.1 ले रहे हैं, तो f ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा, f ऑफ 0.1 कितना आएगा जब x इक्वल्स टू कितना है, x इक्वल्स टू 0.1, तो f ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा 1/0.1, दैट मींस 10 बाय 1, दैट मींस 10 ठीक। x इक्वल्स टू हम लोग 0.0001 लिए, तो f ऑफ 0.0001 का वैल्यू कितना आएगा 1/0.0001, दैट मींस 1 and 1 2 3 4 3 4। देखो जितना छोटा वैल्यू ले रहे हैं
उतना ही f का मतलब f ऑफ x का उतना ही बड़ा वैल्यू। जब x इक्वल्स टू 0.1 लिए थे तब f ऑफ x 10 आया, x इक्वल्स टू 0.0001 लिए तब x का f ऑफ x का वैल्यू इतना बड़ा आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो है इनवर्स फंक्शन, मतलब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन पढ़े थे, तो ये इनवर्स वेरिएशन में है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक वही है ये। तो देखो यहाँ पे f of x का जब 1 1 ले रहे हैं तो 1 1 सपोज यहाँ पे है, -1 -1 ले रहे हैं तो सपोज यहाँ पे है। और उसके बाद एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, जब जीरो यहाँ पे जब x equals to जीरो हो जाएगा तब x equals to जब जीरो हो जाएगा तब f of जीरो कितना आएगा, f of जीरो कितना है 1/0, that means f of जीरो infinity, that means x equals to जीरो you cannot take, जिसके लिए f of जीरो exist नहीं है, x का जिस value के लिए f of x exist नहीं है, f of x define नहीं हो रहा है, वो value तो नहीं ले सकते, ठीक वो वैल्यू तो नहीं ले सकते, पहले ही बताया फंक्शन के लिए। और तो यहां पे देखो, यहां पे क्या समझ में आ रहा है, x जब जीरो हो जाएगा, सपोज x जब जीरो हो गया मतलब तब जीरो, तब f ऑफ जीरो कितना इन्फिनिटी, दैट मींस ये वैल्यू हम ले ही नहीं सकते, तो ये कभी यहां पे आएगा ही नहीं, पहली बात। और x का वैल्यू जितना छोटा लेंगे, x का वैल्यू जितना छोटा, दैट मींस सपोज 0.1 यहां पे है, 0.1 तो x का कितना 10 है, और x का वैल्यू जब 0.000 मतलब और पास में है, ये जीरो का और पास में है, तो ये कितना और इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, ये लाइन जो है ये धीरे धीरे इंफिनिटी को टच करते हुए चला जाएगा, लेकिन y एक्सिस के साथ कभी भी टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के साथ अगर टच कर गया, इसका मतलब f of जीरो का वैल्यू तब कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और f of जीरो का वैल्यू कभी इन्फिनिटी आएगा ही नहीं, दैट मीन्स ये जो लाइन है ये लाइन कभी y एक्सिस के साथ टच ही नहीं करेगा। क्योंकि f of x किसका कौन सा एक्सिस में होता है, y एक्सिस में, तो f of जीरो का वैल्यू जब इन्फिनिटी आएगा ही नहीं तो ये लाइन कभी इसको टच करेगा ही नहीं। सिमिलरली ये जो लाइन है ये इधर चला जाएगा धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे एक्स एक्सिस के एकदम पास में चला जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। हर तरफ यहाँ पे भी वही केस, यहाँ पे भी वही केस, जितना छोटा वैल्यू लेंगे उतना बड़ा होगा, ठीक, और जितना बड़ा वैल्यू लेंगे उतना छोटा। सपोज 5 लिए, एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक, एक्स इक्वल्स टू फाइव तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, 1/5, दैट मीन्स 0.2 है कि नहीं, 0.2। इसका मतलब क्या, तुमको प्लॉट करके देखो 5, 0.2, तो ये 5 कहां पे, यहां पे, और 0.2 कितना, यहां पे 1 है तो 0.2 सपोज यहां पे, तो देखो एकदम पास में, जितना दूर जाओगे मतलब जितना बड़ा वैल्यू लोगे उतना इसके पास एक्स एक्सिस के पास आते जाएगा, लेकिन कभी एक्स एक्सिस के साथ ये मीट नहीं करेगा। यहां पे भी वही केस, इंफिनिटी के आसपास चला जाएगा लेकिन कभी भी वाई एक्सिस के साथ ये दोनों लाइन कभी भी टच नहीं करेगा। यहां पे भी वही केस, ये एकदम चला जाएगा इसके पास, धीरे धीरे चला जाएगा वाई एक्सिस के पास, लेकिन वाई एक्सिस के साथ कभी मीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मीट कर गया तो इंफिनिटी में जाके, तो अगर मीट कर गया तो इंफिनिटी तो हो गया वैल्यू, लेकिन इंफिनिटी कभी होना नहीं है, इसीलिए ये लाइन कभी मीट नहीं करेगा, यहां पे भी कभी भी नहीं मीट करेगा, ठीक। अब आते हैं, ये स्पेशल ग्राफ है 1/x का, यही ग्राफ है, ऐसे ही ग्राफ होता है। अब बात करेंगे डोमेन और रेंज का, ठीक, डोमेन क्या हो सकता है इसका, देखो डोमेन इसके लिए सोचो, डोमेन क्या होता है, x का वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए f of x डिफाइन होगा, f of x का वैल्यू मिलेगा, तो x का कौन सा वैल्यू के लिए f of x का वैल्यू नहीं मिलेगा, देखो सिर्फ रैशनल नंबर के लिए, जब यहाँ पे x का वैल्यू जीरो हो जाएगा, x का वैल्यू जब जीरो हो रहा है तब यहाँ पे वैल्यू f of जीरो का वैल्यू इंफिनिटी, दैट मीन्स ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा x इक्वल टू जीरो में, तो लेकिन जीरो छोड़ के
जीरो छोड़ के तुम जीरो से थोड़ा बड़ा लो ना, जीरो से थोड़ा बड़ा लिए 0.1, उसमें हाँ वैल्यू तो आ रहा है उसमें, इफ ऑफ जब एक्स इक्वल टू 0.1 नहीं है तब इफ ऑफ एक्स का वैल्यू हाँ आ रहा है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, जीरो से थोड़ा बड़ा होगा, जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तो जीरो छोड़ के सारा रियल नंबर वैल्यू आएगा, इसके लिए जीरो छोड़ के सारा रियल नंबर ले सकते हैं, तो डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर माइनस जीरो। ठीक, और रेंज, रेंज क्या आएगा, अब रेंज में तो कोई पाबंदी है नहीं भाई, रेंज में तो कोई पाबंदी है नहीं, रेंज में तो सारा रियल नंबर आ सकता है, रेंज में तो सारा रियल, क्योंकि रेंज में सारा रियल नंबर क्यों आ सकता है, सोचो ना, यहाँ पे रेंज का मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, अगर एक्स जो है वो अगर जीरो छोड़ के कोई कुछ भी है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ वैल्यू देगा ना, तो कुछ भी वैल्यू देगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, रियल सॉरी रैशनल इरेशनल कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक, तो वो कौन सा में आएगा, रियल नंबर में ही आएगा। ठीक, तो ये था रैशनल नंबर का, ये स्पेशल फंक्शन है, बस एफ ऑफ एक्स का है, ये जो स्पेशल केस है बस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के 1/x के लिए है, और जितना सारा रैशनल नंबर इस फॉर्म में रहेगा कोई भी फंक्शन में, तब हमेशा ये याद रखोगे कि डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होगा कभी, इसीलिए डोमेन आर माइनस जीरो हमेशा मोस्टली केस में ये देखने को मिलेगा, मोस्टली केस में जब भी ऐसा फॉर्म रहेगा, मतलब रैशनल नंबर का फॉर्म रहेगा कोई फंक्शन का, तो मोस्टली केस में ऐसा करके लेना पड़ेगा। लेकिन समझना है, देखो ये ग्राफ को रट्टा मारना नहीं है, समझना है, समझ के याद रखना है। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन वी विल गो फॉरवर्ड।